Today I am going to discuss about Lego India. Okay, this is the today's news in the Times of India. Okay, Cabinet cleared the 2,600 crore Lego India Observatory come up in Maharashtra will be the part of global network. Okay, ये Lego India क्या है, हम इसी के बारे में अभी discuss करने जा रहे हैं. Okay, जिसको अभी Cabinet ने clear किया है. Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhoge Vasundhara, means those who are hardworking and ambitious, they can achieve anything whatever they want. LIGO, full form of LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory India. Okay, इसका goal क्या है? The primary goal जो है इसका detect करना gravitational wave. Okay, which are ripples in space time caused by acceleration of massive object. Okay, in 2015 LIGO made history by detecting gravitational wave for the first time, confirming key prediction of Albert Einstein's theory of general relativity. Since then LIGO has detected many more gravitational wave signals, including those from the merger of two black hole and two neutron star. Okay, neutron star क्या होता है? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सन को ले लेते हैं, अगर सन की एनर्जी खत्म हो जाए तो वो कोलैप्स हो जाएगा. जो कोलैप्स होने के बाद जो स्टार बनेगा उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार. ओके, न्यूट्रॉन स्टार्स आर फॉर्म व्हेन ए मासिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल. ओके, एंड कोलैप्स. ओके, ओके, द स्टडी ऑफ दीज ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक होल. ओके, and neutron star as well as the evolution of universe. LIGO is a collaboration of over 1,000 scientists from around the world, and its discoveries have revolutionized our understanding of gravity and universe. Okay, iski wajah se hame pata chalega kaise universe ka evolution hua. Okay, इसके बारे में हमें सब पता चले. और ये जो 2015 में ये सब हमें जो डिटेक्ट हुआ ग्रेविटेशनल वो, ये ऑलरेडी यूएसए में है तो उसके थ्रू ये पता चला है. अब ये इंडिया में भी किया जा रहा है. ओके, इससे हमें ब्लैक होल के बारे में पता चलेगा, जब इमर्ज होंगे तो पता चलेगा, जब कोई स्टार न्यूट्रॉन स्टार होगा तो भी हमें सब पता चलेगा. ओके, ये है लीगो का फुल फॉर्म, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया. ओके, द लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया इज प्लान्ड एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी टू बी लोकेटेड इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क हुज कंसेप्ट प्रपोजल इज नाउ अंडर द एक्टिव कंसिडरेशन इन इंडिया एंड द यूएसए. लीगो इंडिया इज इन्विसेज्ड एज a collaborative project between the consortium of Indian research institution and the LIGO observatory in USA along with the international partner. इसे हम USA के साथ कर रहे हैं मिलके. इसमें कई चीजें हमें पता नहीं, कई नई टेक्नोलॉजी हम जो हमें USA देगा इसको करने के लिए, कई चीज हम और खुद भी सीखेंगे. ओके, और इसके लिए जो आपने अगर ये न्यूज़ पढ़ा हो, ये इसको महाराष्ट्र में किया जा रहा है. ओके, और ये जो इस प्रोजेक्ट का जो टोटल बन के कंप्लीट हो जाएगा ये 2030 तक हो पाएगा. ओके, लीगो इंडिया रिसीव्ड द गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन फरवरी 2016. सिंस देन प्रोजेक्ट रीच्ड सेवरल माइलस्टोन टुवर्ड सेलेक्टिंग एंड एक्वायरिंग साइट एंड बिल्डिंग द ऑब्जर्वेटरी. एक्चुअली क्या हुआ था, जैसे अब उसको कर लिया गया तो हमें साइट चाहिए, कहाँ से सबसे बेटर हो, वहां का कंडीशन क्या है सब, तो उसके लिए ये 2016 से ही ये काम हो रहा है. ओके, और उसमें कई चीजें जो हम कर रहे थे, कई टेक्नोलॉजी चाहिए तो उस सब पे भी तो कई माइलस्टोन अचीव हो चुका है. ओके, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए अलॉन्ग विद द सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. जो अभी पहले ही बता दिए हैं,
इसको बिल्ट कौन करेगा? इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बिल्ट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो है, और ये नेशनल साइंस फाउंडेशन जो यूएसए का है। ओके, इसको बनाने में जैसे कई फील्ड के इसमें नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसको ऐसे आसान से नहीं बनाना, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी मेगा साइंस प्रोजेक्ट है ये। इसमें जैसे लेजर का नॉलेज होना चाहिए, वैक्यूम का नॉलेज होना चाहिए, ऑप्टिक का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एंड फिजिक्स का भी इसमें नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज, फ्यू टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स दैट विल बी यूज्ड इन लीगो इंडिया टू प्रोवाइडेड बिलो, ये सबसे जो जो चीज यहाँ पे यूज होगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये लेजर हो गया, ऑप्टिक हो गया, सस्पेंशन एंड वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, एंड हाई अल्ट्रा हाई वैक्यूम वाला हो गया। इसको पढ़ने को ऐसे आपको जरूरत नहीं है। ओके, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज इसमें यूज हो रहा है। ओके, ये सब आपको जरूरत नहीं है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, लेजर, ऑप्टिक, सस्पेंशन एंड वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम, ओके, कंट्रोल सिस्टम, अल्ट्रा हाई वैक्यूम। ओके, इसमें फंडिंग, फंडिंग फॉर लीगो इंडिया फैसिलिटी विल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड द लीगो लेबोरेटरी विल प्रोवाइड द हार्डवेयर फॉर द कंप्लीट लीगो इंटरफेरोमीटर, टेक्निकल डेटा ऑन इट्स डिजाइन, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस विद द इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, एंड द रिक्वायरमेंट एंड डिजाइन फॉर द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द वैक्यूम सिस्टम फंडेड बाई द नेशनल साइंस फाउंडेशन। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फंड का भी आपको पता चल गया, यही है जो वो इंस्टीट्यूशन बना रही है वही के द्वारा फंड भी किया जाएगा। ये न्यूट्रॉन स्टार के बारे में भी बता ही दिया, आर फॉर्म व्हेन द मासिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। ओके, ग्रेविटेशनल वेव इज ए रिपल ऑफ फैब्रिक स्पेस टाइम कॉज्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ मासिव ऑब्जेक्ट्स सच एज टू मर्जिंग ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन। ओके, आज का क्वेश्चन हम आपसे पूछने हैं, स्पेस टाइम होता क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।